जी आप देख रहे हैं चौधरी एसोसिएट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इसमें बात करेंगे मार्फू डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पर काफी लोगों का सवाल था और कई लोगों का क्वेश्चन था यहाँ पर कि यदि मार्फू डिवाइस के पीछे का जो सीरियल नंबर होता है वो किसी कारण से मिट जाए या उसका स्टिकर निकल जाए तो किस तरह आपको वहां का सीरियल नंबर प्राप्त करना है, तो इसी के रिगार्डिंग इसमें बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है अपना सीरियल नंबर प्राप्त करने के लिए। पहला एक सिंपल सा तरीका जो कि पीसी के माध्यम से आप सीरियल नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड आपका थोड़ा सा कठिन है, तो उसका भी आपको कभी कभी उस मेथड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि पहला मेथड आपका काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन आपको डिवाइस का दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं दोनों मेथड के बारे में बात करने वाला हूँ और इसी के रिगार्ड में इस वीडियो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, इससे जो होता है जो भी वीडियो पहले होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देख पा रहे हैं मेरे पास एक डिवाइस है मार्फू की, और ये मार्फू की डिवाइस है, ये देखिए इसका बिल्कुल पीछे का जो सीरियल नंबर वो मिट चुका है, यहाँ पर बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिख रहा है और ये इस पर टैपिंग के पहले से एक बार रिपेयर भी हो चुका हुआ है। तो इस डिवाइस का मैं सीरियल नंबर आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह निकाला जाता है। तो पहला मेथड जो वो आपको पीसी से निकालना है, अपने पीसी से कनेक्ट करके अपना डिवाइस का सीरियल नंबर निकालना है, आपका सिंपल सा तरीका है। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं, जो कि मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरह आपको पीसी से निकालना है। और जो दूसरा मेथड होता है वो आपको डिवाइस को ओपन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर दो स्टिकर मिलता है आपको, पहला आपको डिवाइस के जो बॉक्स के ऊपर लगा होता है, दूसरा आपको डिवाइस को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ऊपर एक उसका जो बोर्ड होता है उस बोर्ड में एक स्टिकर है, उसमें भी सीरियल नंबर आपको मिल जाता है। लेकिन यदि आपकी नई डिवाइस है उसे आप खोलना नहीं चाहते हैं, उसका मिट चुका हुआ है, तो आप पीसी से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्या भी आ जाती है कि आपको डिवाइस को खोलना पड़ता है और आपको मजबूर उसको खोल को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन क्या थे, उस कंडीशन को यहाँ पर बताया तो क्या क्या कंडीशन आती है। पहला कंडीशन ये है कि आपकी डिवाइस का आरडी सर्विस खत्म हो चुका है, आपको आपका डिवाइस का सीरियल नंबर मिट चुका है। तो आपको किस तरह को डिवाइस का सीरियल नंबर प्राप्त करना है, तो जब तक आप डिवाइस का सीरियल नंबर प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कैसे आईडी सर्विस करेंगे, और वहां पर आपकी डिवाइस में समस्या भी कुछ है या कोई प्रॉब्लम भी है, आपका वायर काम नहीं कर रहा है, डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पा रही है, आप दोनों चीज कंफ्यूजन में कि मेरा आईडी सर्विस खत्म है या डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आएगी या वायर खराब हो चुका है, इस कंफ्यूजन में आप तो आपको पता नहीं चल पाता है। तो आप सीरियल नंबर रहेगा तो आप डाल के आप मार्फू आईडी सर्विस की साइट पे जाकर वहां से चेक कर सकते हैं कि आपकी मार्फू का जो वैलिडिटी है बचा हुआ है खत्म हो चुका है, वहां चेक कर सकते। बट आपके पास जब सीरियल नंबर है नहीं तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप उस कंडीशन में आपको डिवाइस को खोलना पड़ता है और डिवाइस को खोल के सीरियल नंबर निकाल के चेक करना होता है कि सीरियल नंबर आईडी सर्विस खत्म है नहीं खत्म है। यदि डिवाइस का आईडी सर्विस है तो आपकी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है, और यदि डिवाइस का आईडी सर्विस खत्म हो चुका है तो वहां पर आप आईडी सर्विस काम चला सकते हैं। तो ये कंडीशन आने पर आपको डिवाइस को ओपन करना होता है, दूसरे मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये कंडीशन आपको करना पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पर पहले मेथड आपको दिखाने वाला हूँ, आपको पहले मेथड से किस तरह आपको यहाँ पर अपना आईडी सर्विस करना है सिंपल तरीके से। चलिए दोस्तों अपने पीसी लैपटॉप में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं अपने पीसी लैपटॉप में आ चुके हैं, और आपको मैं बताने वाले इस वीडियो में किस तरह आपको अपने मार्फू डिवाइस का सीरियल नंबर फाइंड करना है और प्राप्त करना है। तो मैं आपको यहां पर लाइव करके दिखाऊंगा किस तरह अपने पीसी या डेस्कटॉप से अपने डिवाइस का सीरियल नंबर प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको आना है यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डिवाइस मैनेजर। तो आपको डिवाइस मैनेजर में आना है, तो आप कहीं से भी डिवाइस मैनेजर में आ सकते हैं, जो भी मेथड आपको आसान लगे। ये कोई ज़रूरी है कि जिस मेथड से मैं ही आया उसी मेथड से आपको आना है, तो आप कहीं से भी आप डिवाइस मैनेजर आ सकते हैं। डिवाइस मैनेजर आने के बाद यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं काफ़ी सारी सर्विसें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपके पीसी या लैपटॉप से जितनी भी यूएसबी मोड में जितनी भी डिवाइसें कनेक्ट होती है सारी कैसे यहाँ पर शो करती है, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो, माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, जो भी चीज़ आपके लैपटॉप से कनेक्ट होती है यूएसबी के माध्यम से वो सारी के सारी यहाँ पर शो करती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी जो सारी के सारी डिवाइसेज शो कर रही हैं, बट यहाँ पर जो हमारा वो है मार्फू का डिवाइस शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे डिवाइस में अपने कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करें तो यहाँ पर एक शो करता है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर। तो यहाँ पर शो कर इस वाले ऑप्शन क्लिक करना होता है आपको, यहाँ पर आपकी शो करती है, तभी हमने आपको डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है और देखिए यहाँ पर ये आपका रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मिल जा रहा है मार्फू स्मार्ट CBM, ये आपका आ चुका हुआ है। तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर आ चुका है एक बार। तो ये आपका यूनिट्स वाला किसी का बंद होता है तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है इस तरह। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे रिमूव करेंगे तो ये हट जाएगा, देखिए हट चुका है। चलिए दोबारा से इनपुट कर लेते हैं। जैसे इसको हम पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं अपनी डिवाइस को, तो यहाँ पर उसका
ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे इसको ऑप्शन आ चुका हुआ है मार्फो स्मार्ट सीबीएम का। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको राइट क्लिक करना है, ऑप्शन करना है और आपको प्रॉपर्टीज भी क्लिक करना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके डिवाइस का नाम वगैरह आ चुका है मार्फो डिवाइस, और आपको यहाँ पर देखिए जनरल डिवाइस डिटेल्स, तो आपको डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप डिटेल्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर डिवाइस डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे नीचे आपको आना है। यहाँ पर मिल जाता है आपको एक नीचे डिवाइस इंस्टेंट पाथ, तो डिवाइस इंस्टेंट पाथ को क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका यहाँ पर डिवाइस का सीरियल नंबर आ चुका है। तो ये जो आपका बाकी का पार्ट है इसे आपको छोड़ देना है, ये वाला पार्ट केवल आपको यहाँ से ध्यान देना है ये आपका डिवाइस का सीरियल नंबर है। ये जो दिख रहा है 1745i03498 ये आपका सीरियल नंबर है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो 45i के बीच 45 के बीच में वो होता है एल टाइप का, वो एल नहीं होता वो आई होता है आपका, वो सभी के डिवाइस में सेम होता है तो वो आई होता है, आई के बाद जीरो होता है। तो ये आपका डिवाइस का सीरियल नंबर है, बाकी का आपको छोड़ देना है। जिसे मैंने ब्लर कर रखा हुआ है तो ब्लर वाला ऑप्शन आपको छोड़ देना है, केवल ये वाला ऑप्शन आपको जानना है। तो यही वाला ऑप्शन चलिए इसे नोट कर लेते हैं कहीं पर, चलिए इसे नोट पैड पर नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं 1745, उसके बाद आई प्रेस करना है, आई के बाद आपको 03498 यहाँ पर हमने इसे नोट कर लिया। चलिए इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे कॉपी करके हम आपको चेक करके लाइव दिखाते हैं ये डिवाइस को जो सीरियल नंबर ये वर्क करता है नहीं करता है। तो ये वाला आपका हो चुका है, इसे ओके कर देना है या इसी तरह छोड़ना है। तो आपको आना है यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में, और क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है मॉर्फो आईडी सर्विस। देखिए यहाँ पर आ गया मॉर्फो आईडी सर्विस। तो आपको आना है मार्फो की साइट पे, तो यहाँ पर आपको लाइव दिखाएंगे किस तरह ये वर्क करता है, ये सही है गलत है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक आता है रजिस्टर्ड रिन्यू और एक मिलता है आपको यहाँ पर चेक वैलिडिटी। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, चलिए क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पेस्ट करना है अपने डिवाइस का सीरियल नंबर, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है और ये वैलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। देखिए डिवाइस सीरियल नंबर वैलिडेट हो चुका है यहाँ पर, यानी का डिवाइस का जो सीरियल नंबर वो सही है। इसे सबमिट कर देते हैं और जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ऑर्डर नंबर हमारा शो कर रहा है, सीरियल नंबर शो कर रहा है यहाँ पर। और ये हमने जो इसे किया था हम जनवरी में हमने किया था इसे 27/1/2020 को, और ये जो हमारा एक्सपायरी डेट है 26/1/2021 को होगा, एक साल के लिए हमने किया था जनवरी मंथ में हमने किया था इसको 2020 में, और ये हमारा 2021 में जनवरी मंथ में एक्सपायर होने वाला है। तो इसी तरह अपनी डिवाइस का सीरियल नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं। और आपको अगर करना है, आपको किस तरह करना है, आपको आपका डिवाइस का जो आईडी सर्विस करना है तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखा हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपको एक ईमेल आईडी बनानी होती है जो कि आपका एक आईडी होता है, उस आईडी को बनाकर तभी आप आईडी सर्विस कर सकते हैं। आपका एक आईडी होना चाहिए मार्फो की, मार्फो आईडी सर्विस की साइट पर एक आपका आईडी होना चाहिए, तो उस आईडी को बना सकते हैं और अपनी आईडी सर्विस कर सकते हैं। तो ये रहा छोटा सा हमारा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में काफ़ी सारे शेयर कीजिएगा, और किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार कन्फ्यूजन तो मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी मोबाइल डिवाइस से केवल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अपनी मार्फो डिवाइस का सीरियल नंबर, क्योंकि काफ़ी लोग के पास जो लैपटॉप या पीसी नहीं होता है तो वो मोबाइल से काम करते हैं, तो किस तरह उन्हें अपने मोबाइल से आपका सीरियल नंबर प्राप्त करना है ये मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ। और यदि मार्फो डिवाइस में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है या उसे रिपेयर में कोई दिक्कत होती है आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके भी रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा और किस तरह रिपेयर करना है मैं उसको भी बता दूंगा आपको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले।